एक्सरसाइज 2.1 है, इसका ये सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उसका आपको क्यूब यानी घन आपको किस रूप में सिद्ध करना है, 9 क्यूब प्लस 1 9 क्यूब प्लस 8। तो यहां पर भी अगर पॉजिटिव इंटीजर्स आता सिर्फ तब तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से आप बी क्यू प्लस आर की फॉर्म से आपको सिद्ध करना था। यहां पर इनका क्यूब आए या स्क्वेयर आए, तो कल वाले क्वेश्चन में तो अपन ने पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वेयर प्रूव किया था 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में, और यहां पर अपने को इनका क्यूब प्रूव करना है। तो कल वाले क्वेश्चन में तो m की फॉर्म में आपको प्रूव करना था, यहां q की फॉर्म में। तो जस्ट जो पहले क्वेश्चन किया था फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें भी आपको स्क्वेयर q के फॉर्म में प्रूव करना था, तो आपने उसको m की फॉर्म में एज्यूम किया था। तो यहां पर भी आपको पॉजिटिव इंटीजर्स को m की फॉर्म में एज्यूम करना है। आप क्या जानते हो कि पॉजिटिव इंटीजर्स किस फॉर्म में होता है, 3m 3m प्लस 1 और 3m प्लस 2 इस फॉर्म में आप लिख दोगे यहां पे। तो आपने क्या पढ़ा था, 3q 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। तो इसका रिप्लेसमेंट आप इससे कर दोगे, क्योंकि यहां पर आपको q के फॉर्म में प्रूव करना है क्यूब को। तो आप ये लिख दोगे कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक जो पूर्णांक है वो 3m 3m प्लस 1 3m प्लस 2 के रूप में होता है। तो ये लाइन आप स्टार्टिंग में लिख दोगे, उसके बाद उनका क्या करना है आपको क्यूब करना है। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि वी नो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 3m प्लस 1 एंड 3m प्लस 2। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स है वो इस फॉर्म में होता है। अब आपको यहां पे इनका क्या करना है, क्यूब करना है। तो पहला आप 3m है इसका क्यूब कर दीजिए, तो इसका क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है, और m का क्यूब। अब अपने को पहले का जो आंसर है वो 9q के फॉर्म में लेकर आना है। तो इस 27 को आप दो ऐसे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए ताकि एक उसमें से 9 आ जाए। तो 9 × 3 करो तो 27 बनते हैं। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 9 × 3m³। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि अपने को 9q लेकर आना था। अब ये जो 3m³ है, 3m³ की जगह अपने को क्या लिखना होगा, q लिखना होगा, क्योंकि आंसर में इसको आपको क्यूब प्रूव करना है। ये 1, 2 और ये 3 है, तो पहले का आंसर इसका आंसर तो ये आएगा, दूसरे का आंसर 9q+1 आएगा, और तीसरे का क्यूब करोगे तो 9q+8 प्रूव होगा। तो यहाँ पे इस 3m³ की जगह आप क्या लिख दोगे, 9q हो गया ये, तो आगे ब्रैकेट में लिख दोगे वेयर क्यू इज इक्वल टू 3m³। तो पहले का तो ये क्यूब बिल्कुल आसान था, क्योंकि अपने पास एक ही डिजिट था उसका क्यूब करना था। अब दूसरे वाले में अगर आपको आइडेंटिटीज याद है दूसरे और तीसरे में, तभी आप उसको कर पाओगे। तो आगे वाले का जब अपन क्यूब करेंगे, तो पहले का आपने क्यूब कर दिया, अब दूसरा जो है वो है 3m+1 का क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटीज है, ये आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ही आप इसको कर पाओगे। कौन सी आइडेंटिटी है, a+b का क्यूब। a+b का क्यूब क्या होता है, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये आइडेंटिटी होती है। तो इस आइडेंटिटीज का अपन यूज करके a+b का क्यूब, कई बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं, एक जो फॉर्मूला है वो a³ + b³ का वो अलग फॉर्मूला है, और यहाँ पे जो लगेगा वो a+b का क्यूब लगेगा। तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ पे आप आइडेंटिटीज लगाओगे तो इसका आंसर क्या आएगा, a की जगह कौन है, 3m है,
तो 3m का क्यूब हो गया प्लस 3 इंटू ए स्क्वेयर है तो ए की जगह 3m है तो इसका स्क्वेयर हो गया मल्टीप्लाई b, b की जगह कौन है 1 है प्लस 3 इंटू ए, ए की जगह कौन है 3m है और b की जगह कौन है 1 का स्क्वेयर और प्लस b का क्यूब यानी 1 का क्यूब। अब 3m का क्यूब अब भी अपने इसके पहले पार्ट में किया था कितना होता है 27m क्यूब प्लस इस 3 का स्क्वेयर होगा 9, 9 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी क्या आएगा 27, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे m का स्क्वेयर प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 9m, आगे 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही होगा और प्लस 1 का क्यूब क्या होता है 1। अब आंसर में तो अपने को जो लेकर आना है वो लास्ट में तो प्लस 1 ही लेकर आना है और बाकी 9 क्यूब यानी बाकी से आपको क्या कॉमन लेना होगा 9, क्योंकि इसको 9 के फॉर्म में लेकर आना है यहाँ पे, तो ये प्लस का 1 तो लेकर आना है लास्ट वाला, तो इन तीनों से क्या कॉमन आ रहा है आपको कॉमन क्या निकालना है, प्रूव जो आपको करना है उसको देख करके करना है आपको। 9 इन तीनों से कॉमन लेना है तो आप 9 इन तीनों से कॉमन ले लीजिएगा। अब आप चाहो तो इसमें m क्यूब है, इसमें m स्क्वायर है और इसमें m है तो तीनों से m भी कॉमन ले लीजिएगा। 9m का मतलब इन तीनों में ये अपन 9m से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 का जब आप डिवाइड करोगे 27 में तो ये 3 टाइम्स हो गया, m का क्यूब में m का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा m स्क्वायर बचेगा, आगे प्लस 9 का डिवाइड 27 में करोगे तो 3 आएगा, m स्क्वायर में m का डिवाइड करोगे तो m आएगा और 9m को 9m से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, आगे प्लस का ये 1। अब इसके साथ जो ये 9 के साथ जो अटैच में है ये इतना, इसको क्या बनना होगा क्यूब बनना होगा, क्योंकि अपने को आंसर क्या लाना है 9 क्यूब प्लस 1 लेकर आना है तो 9 और ये जो पूरा मैंने एक इस कॉलम में बंद किया ये हो गया 9 क्यूब प्लस 1। अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा वेयर क्यू जो है वो क्यू क्या है m ब्रैकेट में 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1, ये इतना क्या है क्यू है। तो ये सेकंड वाला अपने प्रूव कर दिया, अब थर्ड वाला भी इसी तरह से बस 1 की जगह क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका जो थर्ड है वो अपन करेंगे 3m प्लस 2 का क्यूब, तो a प्लस बी का क्यूब ऊपर आइडेंटिटीज लिखी हुई है तो आइडेंटिटीज क्या है a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर और प्लस लास्ट में b का क्यूब। अब यहां पे आप इनका क्यूब करोगे 3m का क्यूब क्या होगा 27m क्यूब हो गया प्लस यहाँ थोड़ा मल्टीप्लाई आप ध्यान से कीजिएगा, ये 3 का स्क्वायर होगा तो 9, 9 का 3 से करोगे तो 27, 27 को 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो 54 आएगा और ये m का स्क्वायर होगा, आगे प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो 9 आएगा, 9 का मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर होगा ये 4, 4 का करोगे 9 से तो 36 और ये मल्टीप्लाई में कौन आएगा m और 2 का जो क्यूब करोगे तो कितना आएगा ये 8। अब देखिए यहां पर जो अपने को आंसर लेकर आना है वो क्या लेकर आना है, लास्ट में तो प्लस का 8 लेकर आना है और बाकी को आपको क्या बनाना है 9 क्यू। इसका मतलब आपको इन तीनों से क्या कॉमन निकालना होगा 9 और ये लास्ट में प्लस का 8 आंसर में आ ही रहा है तो यहां से आप क्या कॉमन ले लीजिएगा 9 और m क्यूब m स्क्वायर और m में से आप कॉमन निकालो तो सही है, नहीं निकालो तो आप पूरे को क्यूब बनाना ही है तो आप चाहो तो m कॉमन ले सकते हो, तो कॉमन लोगे तो 9 का डिवाइड 27 में करोगे तो आएगा 3, m क्यूब में डिवाइड m का होगा तो आएगा m स्क्वायर प्लस 54 को 9 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये 6 टाइम्स होता है और m स्क्वायर में m का डिवाइड करोगा तो m आएगा और 36 को 9 से डिवाइड करोगे तो 4 m है वो m से डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ गया और लास्ट में प्लस का कितना है 8 है। अब 9 और जो बाकी है यहाँ पर ये इसको क्या बनाना है अपने को क्यूब बनाना है तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे क्यूब, तो ये हो गया 9 क्यूब प्लस 8
यहां पे आप क्या लिख दोगे, वेयर q इज इक्वल टू, ये पूरा जो मैंने कॉलम में बंद किया है 3m, ये कॉमन में बार है m, 3m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 4, ये किसकी जगह, यहां पर है q की जगह है। तो आपने जो रिजल्ट निकाला है वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड से, यानी ये जो तीन आपने बनाई है एज इक्वेशन की टाइप लिख सकते हो आप, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां लिख सकते हो। तो आप लिख दो y फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, y फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड से आपने क्या रिजल्ट निकाल दिया है। अब ये भी लिख सकते हो y स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों से क्या रिजल्ट आ रहा है जो इसने क्वेश्चन में आपको प्रूव करवा रहा था। क्या प्रूव करवा रहा था कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ फॉर्म ऑफ 9q, 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8, यानी ये पूरी की पूरी लाइन है ये वाली, द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, ये वाली पूरी लाइन है, यहां तक ये सेम आपको लास्ट में कॉपी कर देना है यहां पे। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9q, 9q प्लस 1 एंड 9q प्लस 8, हेंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, दो नंबर के हिसाब से पूछे तो शायद ये इसके पूछने के आसार कम है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लेंथी पड़ता है और दो नंबर के अकॉर्डिंग इसका वेटेज नहीं है, इसका वेटेज तीन नंबर के अकॉर्डिंग जाता है। तो यहाँ पर जो इसके बाकी जो अपन ने क्वेश्चन किए हैं प्रूव करने वाले, फर्स्ट जो इसका किया था, बाकी जो तीन एग्जांपल किए थे, वो दो नंबर के वेटेज के हिसाब से बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक क्यू वाली आइडेंटिटी लग रही है, इसके कारण थोड़ा सा ये लेंथी हो रहा है क्वेश्चन। तो पूछने को ये पूछ सकता है एग्जाम में, ये जरूरी भी नहीं पूछेगा, पर एज ए ब्लू प्रिंट जो नंबर का जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग इसका थोड़ा सा चांसेस कम बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को, ये नहीं भी है, नहीं पूछेगा तो आप इसको करोगे नहीं, करना तो पूरी बुक को ये एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जांपल, यानी कोई भी ऐसा पेज नहीं छोड़ना जिस पे लिखा हुआ आपने नहीं पढ़ा हो, तभी आपके 100 स्कोर प्राप्त कर पाओगे। और आपको मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट देखना है तो मेरे YouTube वीडियो में पिछले साल का रिजल्ट लगाया हुआ है, तो उसमें देख लीजिएगा कि कितनों बच्चों के मार्क्स है वो 100 आए हैं, कितनों के 99 आए हैं, कितनों के 98 आए हैं, कितने 90 प्लस है, तो उसे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी आपको किस तरह से पढ़ना है। तो चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे।